एक भाई ने कमेंट किया जो सीक्वेंस इंपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है। और भी कैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ चेंज करना पड़ता ताकि आपका स्पीड भी सही रहेगा, आपका सॉरी आपका प्रोजेक्ट जो स्पीड करने का तरीका है वो भी सही रहेगा। कुछ आपको करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, कुछ सेटिंग भी है इससे, कुछ कुछ खास नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट है, ये आपको मिला, मैंने अभी एक इम्पोर्ट सीक्वेंस किया था, सब कुछ सही है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो, मैं काफ़ी सारा प्लगइन यूज कर रहा हूँ, मान लो बोरिस अल्फा इफेक्ट जो होता, या फिर कुछ काफ़ी सारा जो इसे मैं यूज कर रहा हूँ, तो आपका सिस्टम में है नहीं, तो इसीलिए इसको ओपन होने में टाइम लगता है, पहला रीज़न ये है। तो उसके लिए आपको क्या करना, एक बार ओपन हो गया आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, और उसी प्रोजेक्ट पे आपको कम से कम 10 मिनट काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑटो सेव होता है वो आपका सिस्टम में होना चाहिए। जैसे मैंने अभी करके रखा 5 मिनट का, आपका शायद 3 मिनट होता ऑटोमेटिक, कोई ये सब छेड़ता नहीं इतना। तो मैं दिखाता हूँ एक मिनट को, यूजर सेटिंग पे है, मैं एक मिनट पॉज कर लेता हूँ ताकि, क्योंकि ढूंढने में थोड़ा टाइम लगे, शायद बेइज्जती की करेंगे। चलो मिल गया, प्रोजेक्ट फाइल पे होता, मैंने इसको ये देखा यहाँ पे है, 10 बार सेव होगा ऑटो सेव जो है, ठीक है। 3 मिनट करके चेंज, 3 मिनट बाद चेंज होगा, ये आपको सिस्टम में होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है, आप कुछ थोड़ा चेंज करो जिसको प्रोजेक्ट को, जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में आप कुछ चेंज करो। जैसे मैंने नीचे एक PNG डाल दिया, आप इसको डिलीट मार दो, उसके बाद कुछ एक दूसरा फोटो ला कर यहाँ पर लगा दो। मैंने उसमें कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि मास्टर प्रोजेक्ट है, मैंने इम्पोर्ट किया। आप इसको चेंज करके कुछ लाओ, 5-10 मिनट खुला रखना, मेरा बोलने का मतलब है, ताकि आपका आपका सिस्टम में भी सारे कुछ सेट हो जाए सही से। उसके बाद फाइल पे जाके उसको सेव सेव एज करना, जहाँ पे प्रोजेक्ट है, मान लो इस फोल्डर पे, इसमें दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आप फिर से इसको सेव एज करना, नाम थोड़ा सा चेंज कर लेना, या इस पर भी कर सकते हो, जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ और है, एक सॉन्ग है पल जब कुछ है, पानी से वो वाला गाना का प्रोजेक्ट निकला मैंने, आप वहीं पे और एक बार सेव कर दो, उसी को ऊपर क्लिक करके भी सेव कर सकते हो, या तो फिर और एक दूसरा नाम लगा के आपने भी चेंज कर सकते हो, दूसरा नाम कुछ भी दे दो उसका नीचे, जैसे वहाँ पर एंडरलाइन 7 है या सॉन्ग का नाम है, आप 1, 2, 3 कुछ भी देखो वहाँ पर सेव कर दो एक बार। उसके बाद आपका सिस्टम है सारे कुछ सेटअप आ जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद इंपोर्ट सीक्वेंस हो जाएगा, और देखो मैं एक सीक्वेंस भी इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। और भाई आजकल हर कोई बनाता है 1920x1080 और 25 फार्मेट डक्टर, इंडिया में हर यही चलता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इंपोर्ट सीक्वेंस करके, ठीक है। कहाँ गया इंपोर्ट सीक्वेंस होता, मैंने कुछ भी एक ब्राउज कर लेता हूँ, ये तो मैंने अभी किया था, अमेरिकन ब्यूटी सॉन्ग है, इसको करता हूँ। कैन नॉट ओपन, फिर शायद मैंने गलत ले लिया, एक मिनट देखते हैं कहाँ पर कुछ चेंज हुआ। मास्टर का सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद शायद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सीक्वेंस है ना, तो अभी नहीं आ रहा। आप तो मैं तो अभी कर रहा था सारे कुछ काम कर रहा था, ये क्या आ गया, ये शायद कुछ अलग साइज का आ गया, लेकिन सारे तो मेरा एक ही बनता है। इसको चेंज ओपन करता हूँ, ये देखो ये अलग हो गया, छोड़ अमेरिकन ब्यूटी वाला, मैं देखता हूँ शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें। इसमें मैंने वीडियो जो यूज कर साथ इसमें कुछ गड़बड़ किया होगा, उसको भी देखते हैं, अभी ओपन हो जाएगा, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है।
और एक चीज़ होता है जो प्रोजेक्ट आप डाउनलोड कर रहे हो, उस डाउनलोड होने के बाद प्रोसेसिंग के लिए 1 मिनट कर लगता है, 1 मिनट लग जाता है टाइम उसको, दिखता नहीं प्रोसेसिंग वाला शायद, पर 1 मिनट लगता है प्रोसेसिंग होने में, तो उसके वजह से भी आपका प्रोजेक्ट सही से ओपन नहीं होता। आप साथ साथ कर दो, एक स्टेट है डाउनलोड होने के बाद उसको भी एकदम छोड़ो। ये देखो ओपन हो गया सीक्वेंस, दूसरा भी। मैं मास्टर पे हूँ अभी, इसमें आ रहा, लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले बताया इसमें सिस्टम इतना हैवी नहीं है, 1.8 है प्रोसेसर, और रैम 4 GB है, थोड़ा सा इधर टाइम लाइन पर आ गया, मतलब इम्पोर्ट तो हो गया। मैंने इससे पहले भी किया था एक, देखो ये वाला है, वो मास्टर वन जो है प्रोजेक्ट इम्पोर्ट किया था, काफ़ी देर तो चक्कर ही होता। आप सेव एज कर लो किसी और लोकेशन पे, नहीं करो उसी के अंदर लोकेशन करो, 10 मिनट कम से कम खुला रहना है ना, ताकि ऑटो सेव, ताकि ऑटो सेव में आपका हो जाए प्रॉपरली। ये देखो ये भी ओपन हो गया, ये सबसे हैवी प्रोजेक्ट बना, छोक दादा जो सॉन्ग है, और मेरे को भी अच्छी खासे इसमें व्यूज आया, अभी महीना हुआ नहीं 1500 से ऊपर आ गया। और रिड्यूस जो सॉफ्टवेयर है हैवी यार, मैंने तो इतना लोड दे के रखा, बोरिस अल्फा से लेके साहिल एफेक्ट से लेके, वह साहिल बोरिस एफेक्ट से लेके पूरा A to Z, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। जिसका थोड़ा सिस्टम अच्छी है उसका, और मेन प्रॉब्लम होता है प्लगइन का और कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर हो जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगा के कुछ पैदा नहीं होगा ना, शायद हो गया, नहीं अभी भी हिल रहा। मैं पॉज ही कर लेता हूँ, देखता हूँ उसके बाद, नहीं पॉज करूँगा तो बोलेगा कुछ प्रॉब्लम है, देखते रहो, सब कुछ अभी के सामने ही है, हैंग तो नहीं हो गया, गई गई। ये बड़ी हैवी प्रोजेक्ट बात, छोक दा तारा जो है, छोटा है चांद तारों में मैंने कौन सा किया। टाइमलाइन भी नहीं हिल रहा, लेकिन लोड हो गया, देखो आ गया टाइमलाइन पे आ गया, मतलब टाइम थोड़ा सा लगेगा भाई इसमें, तो किसी का करने का कुछ है नहीं। अभी लोड हुआ, चलो देखो कम से कम 2 मिनट से तो ऊपर लग गया लोड होने में, सारे कुछ हिल गया। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जो जो मैंने, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले बताना चाहता था कि पता नहीं अभी तक तो इतना देर तक कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप जब सेव करोगे जितना सीक्वेंस है ये सारे सीक्वेंस को क्लोज कर लेना, इसमें क्योंकि टाइमलाइन पे आप ज़्यादा लोड दोगे तो आपका स्लो चलेगा। उसके बाद और कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे मैं भी मैं ज़्यादा डिलीट मारता हूँ तो कभी कभार भी नहीं मारता हूँ, रह जाता, जैसे अब देखोगे मेरा सारे में डिलीट किया होता,
कुछ ऐसे बैकग्राउंड ले लिया जिसको मैंने यूज नहीं किया जैसे, ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड ले लिया जिसको यूज नहीं किया, ऐसे आपको पता कर चले, ऐसे एल देखो ये यूज नहीं किया PNG, इसको आप बेशक डिलीट मार सकते हो, इसमें थोड़ा सा लोड कम होगा। मैं इसका भी अनलो करता हूँ क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहा हूँ, जो डिलीट हो गया। इसे कुछ साइज जो है जैसे ये वाला यूज नहीं हुआ तो इसको डिलीट मार सकते हो, जिस पे यूज हुआ उस पे आपका जिस वीडियो यूज हुआ उस पे आपको ऐसे दो बूंद आएगा, दो बूंदी बूंदी नजर आएगा, और जो यूज नहीं हुआ वो एक आएगा नजर। इस वीडियो पे आता है, PNG पे तो आप कुछ पता नहीं चलता। और थोड़ा से प्रोजेक्ट को आप 10-15 मिनट निकाल के रखो, उसके बाद थोड़ा सा कुछ चेंज करो, जैसे मेरा देखो हॉट वीडियो पे एक वन खाली रहता है, नहीं तो एक वन पे JPG डाला रहता है फोटो, आप उस JPG पे कुछ और एक लगा लो, या फिर अगर खाली है कहीं और एक डाल लो आप JPG, उसका बाद सेव एज करो, या सेव सेव नहीं सेव एज करो बेटर रहेगा। तो इससे और जब प्रोजेक्ट डाउनलोड करेगा पूरे सही तरफ से हो जाने देना, उसका बाद ही स्टार्ट करना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि डाउनलोडिंग के टाइम में प्रॉब्लम होता है। और अगर प्रोजेक्ट नहीं ओपन हो रहा उसको कमेंट पे देखो कितना बंदा क्या कमेंट किया, शायद देखो हर कोई और कमेंट किया तो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम होगा। अगर एक दो कमेंट आया तो सोच लेना डाउनलोड सही से नहीं हुआ, दोबारा डाउनलोड करके भी एक बार ट्राई मार सकते हो, ठीक है। अभी तो बहुत लंबा हो गया, और एक बार मैं देखता हूँ एक सीक्वेंस ओपन करके, मैं पहले इसको कंट्रोल ओ करता हूँ, दूसरा अमेरिकन ब्यूटी वाले का क्या हो गया। डी पे रखा, उसमें मैंने एक ही सॉन्ग है जो मैंने उसमें अलग से वीडियो लिया था, कुछ बॉय वाला जो फोटो था। लेकिन इसमें तो कमेंट तो सही है, एक भी तो नहीं लिखा जो ओपन नहीं हो रहा। अभी देखता हूँ उसको, मैंने शायद वीडियो जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जैसे देखो इसमें मैंने बोरिस जो यूज किया, शायद वो आपके पास है नहीं तो इसलिए आपको ओपन होने में टाइम लगता है, अगर सारे डेटा सेम होगा तो जल्दी ओपन हो जाएगा। मैं भी करता हूँ, जब मैंने जीप फाइल करने के बाद एक बार ओपन करता हूँ तब तो मेरे को टाइम लगता है, जो मैंने दूसरी जगह से ओपन करता हूँ और जो मैंने बनाया, क्योंकि जब बनाओगे तब तो मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको। डाटा किया को छोड़ो, भी उसको जो चीज दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं ये वाला अभी सॉन्ग बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसका अगर प्रोजेक्ट पे आप देखोगे यहाँ पे दो चीज आ रहा है ना, ये है तो मेन फोटो सेव बैकअप जो डाटा है, इसी का चक्कर पे प्रोजेक्ट जल्दी ओपन होता है। अगर मैं उसको ओपन करूँगा जल्दी ओपन होगा क्योंकि मेरे पास इसका सारे कुछ डाटा पड़ा हुआ। अगर ये वाला फाइल में डिलीट मार दूँ या दोबारा बनेगा तो उसके बाद थोड़ा सा ओपन होगा, इसलिए आप थोड़ा सा काम करोगे, ये अगर डिलीट मार दूँ इससे कुछ मतलब नहीं है प्रोजेक्ट पर, ओपन होने में टाइम लगेगा। ये ऑटो सेव और जो बैकअप होता है उसी का चक्कर में आपका जल्दी प्रोजेक्ट ओपन होगा। आप कोई प्रोजेक्ट को यूज करो, अभी देखते हैं अमेरिकन ब्यूटी को क्या हो गया। इसका वीडियो मेरे थोड़ा देखना जरूरी है क्योंकि इसका वीडियो मैंने पूरा अलग लिया था थोड़ा सा। हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, फार्म साइज 3000 × 1870, मेरे प्रोजेक्ट पर सही है। प्रोजेक्ट सही है 1920x1080, लेकिन इसका वीडियो थोड़ा से गलत है इसीलिए यार 1920 और 25 29.5 है।
इसका मैंने गलत किया। मेरे ज़्यादा तो इसमें ही रहता है 25 फार्मेट, ऊपर बोलते हैं तो कुछ नहीं होता 2-5 पे। ये शायद मैंने बनाया जिस दिन रिस्टार्ट किया था सिस्टम, फॉर्मेट मारा उसी दिन, उतना ध्यान नहीं दिया होगा। 29-25 एक ही होता शायद तक, हाँ 25 का मिनट तो है नहीं कहीं कहीं। नॉलेज भी है थोड़ा बहुत, कम भी है, उतना तो बोलूंगा नहीं जब मैं सारे कुछ आता है। कोई तो अपने आप खुद नहीं सीखता ना, सीखना पड़ता, किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। इसका शायद वीडियो का ये चक्कर मेरे को लग रहा है, क्योंकि देखो ये आ गया, ये 3000 बाय 1870 है। उसको आप चेंज कर सकते हो, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। इसको नहीं थोड़ा रिक्स हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट सेटिंग है, मैं भी थोड़ा से सही से देख लूँ। उसके बाद में मैं करता हूँ प्रोफाइल सबने क्लिक। यहाँ पे 1920 हज़ार अच्छे, लेकिन वीडियो का चक्कर में शायद कुछ हो। ये 3 वीडियो जो लिया मैंने, भाई ये मेरे को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम नहीं होता कुछ। ये शायद JPG का दिखाया, प्रॉपर्टी देखता हूँ उसका। थोड़ा लंबे हो रहा वीडियो, अभी मेरा मेन टारगेट था इंपोर्ट सीक्वेंस करने के, तो मैंने 2 सीक्वेंस इंपोर्ट करके दिखा दिया। लेकिन ये वीडियो मैंने यूज़ कम किया, एक ही जगह पे यूज किया जो अमेरिकन ब्यूटी वाला सॉन्ग पे। लेकिन ये तो सब सब ने कमेंट तो अच्छे किया, अगर थोड़ा बहुत कमेंट पे कर देगा तभी तो समझ में आएगा ना अगले बंदे को, जो सही कर रहा गलत कर रहा। चलो आज के लिए बहुत हो गया, 20 मिनट हो गया। अरे बंद करने करके कहाँ गया बंद।